हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हेयर स्पा के ऊपर होने वाला है। आज मैं अपना हेयर स्पा करने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। तो आज का जो हेयर स्पा होगा वो मैं घर पे ही करूंगी और वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपना हेयर स्पा घर पे ही करती हूँ। और एक और बात, इसमें मैं जो हेयर स्पा करने वाली हूँ ये विदाउट स्टीमर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे जो यूज करने वाली हूँ वो है लॉरियल का हेयर स्पा। ये जो है ये प्रोफेशनल क्रीम बात है और मैंने यहाँ पे जो इसका वर्जन यूज किया है वो नरिशिंग वर्जन यूज किया है। और इसी के साथ यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ वो है लॉरियल का हाइड्रेटिंग कॉन्सेंट्रेट और ये ड्राई और सेंसिटिव स्कैल्प के लिए है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये क्लिप्स जिसके थ्रू मैं अपने बालों को फोल्ड कर सकूँ। इसके अलावा हमें जरूरत होगी एक बॉल की जिसके अंदर हम हमारा जो स्पा का क्रीम और जो कॉन्सेंट्रेट है उसे मिक्स कर सकें। तो चलिए हम हमारी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना हेयर वॉश आज ही किया है। कुछ देर पहले मैंने अपना हेयर वॉश किया और मैंने अपने बालों को नॉर्मली एयर ड्राई होने दिया और इसके बाद इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल कर लूँगी। मैंने अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लिया है और हमें हमारे बालों को हल्का सा वेट करना होगा, ये थोड़े से डैम्प होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लेती हूँ अपने बालों के। अब मैं हेयर स्पा का जो पैक है वो तैयार करूंगी। तो ये जो हेयर स्पा का जो क्रीम बात है इसको मैं एक अच्छी क्वांटिटी में लेके इसमें निकाल लूंगी। आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली हेयर स्पा का क्रीम ले लेंगे। अब मैं कॉन्सेंट्रेट की एक बॉटल लेके बूढ़ी ही इसमें मिला दूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से खुशबू काफी अच्छी आ रही है। अब मैं अपने बालों का पार्टीशन करके अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बाल वापस से सूख गए तो आप हल्का हल्का सा उसको गीला करते जाएं, क्योंकि हेयर स्पा का जो पैक आपने बनाया है वो आपको एकदम ड्राई बालों पे नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं स्कल्प पे लगाना शुरू करूंगी। मैंने हेयर स्पा क्रीम को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इस तरह से जूड़ा बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस क्रीम को इसी तरह से 20 मिनट के लिए अपने बालों के ऊपर छोड़ दूंगी और एक टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ के उससे स्टीम ले लूँगी। इस टॉवल को मैंने गर्म पानी में डिप कर लिया है। लगभग मैं 2 या 3 बार इसको पानी में डिप करके इससे स्टीम ले लूंगी। और ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी गर्म होगा तो उसको टॉवल को निचोड़ने में आपके हाथ जल जाएंगे और अगर पानी रह गया तो आपके फेस पे अगर वो गर्म पानी लग गया तो आपका स्किन जल जाएगी। बहुत ध्यान से करें ये वाला स्टेप। और अगर आपके पास जार वाला या कोई ऐसा छोटा स्टीमर हो तो आप उसकी हेल्प से भी स्टीम ले सकते हैं, वो भी सेम ही काम करेगा। सेकेंड टाइम में मैंने अपने बालों पर टॉवल अप्लाई कर लिया है। इसी तरह मैं 10 से 15 मिनट स्टीम लूंगी और अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। मेरे हेयर स्पा के पैक को अप्लाई किए को लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को धोने के लिए। मैं अपने बालों को नॉर्मल पानी से धोऊंगी और जो पानी होगा वो हल्का सा लुकवार्म होगा। बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल भी ना करें, बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी ना करें। आप हल्का सा गुनगुना पानी ले और अपने बालों को धो ले। बस पानी से बालों को अच्छे से धोने के बाद अच्छे से मैंने सारा क्रीम निकाल दिया। उसके बाद मैं बालों को इस तरह से ड्राई होने दूंगी। हल्का सा मैं 2-3 मिनट के लिए टॉवल रैप करके रखूंगी। इसके बाद बालों को खुला छोड़ दूंगी और इसको एयर ड्राई होने दूंगी।
दैट्स इट गाइस, यही था आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरी जर्नी में आगे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, लव यू।